इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11 क्लास 10। तो क्या है टी रेशियो सम पार्टिकुलर एंगल, इसमें हम देखेंगे 0 to 180 या फिर आप लोग 360 तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा वो हम देखते हैं। तो पहले हम 0 डिग्री का स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बोले, पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताएं, एक्सरसाइज में आप लोग जान चुके होंगे। एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए, फिर नेमिंग दे देंगे ए बी सी, ये एंगल थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी वाई एच, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन अब थीटा क्या लेना है हमको, 0 डिग्री। तो साइन 0 पे क्या वैल्यू होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो फाइंड करते हैं हम लोग। चलिए तो ये इसको अभी हटा दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे थीटा को 0 करना है। तो थीटा को 0 करने के लिए इस ए को, सी ए जो साइड है ना, सी ए साइड को नीचे लाना होगा हमको बी पे। फील करिए अच्छे से, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए एक और फिगर बनाए, तो सी बी ए फिक्स रहेगा। आप भी सपोज मान लीजिए कि कोई एंगल 60 डिग्री होगा, तो मैं थोड़ा सा खींच के लाया तो ये अब ए 45 डिग्री पे आएगा, फिर सी बी मैं फिक्स कर दिया और फिर से मैं खींचूँ तो एक आएगा ये 30 डिग्री पे, फिर से और भी लेके आऊँ, ये सी बी फिक्स है और भी खींच के लेके आइए, तो मान लीजिए कि 10 डिग्री बचेगा और ये ए हो जाएगा। तो हमको 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री अगर बनाना होगा तो सी बी पे ही सी ए आ जाएगा मेरा। सी बी और सी ए क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा दोनों लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से साइन थीटा निकालिए, फॉर्मूला क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी बाई एच। पी क्या है मेरा यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। अब एक बात बताइए, लास्ट मेरा आया क्या थीटा, अब क्या लाना है, थीटा 0 लेना है हमको, साइन 0 डिग्री। साइन 0 पे भी तो वही वैल्यू होगा पी बाई एच, तो पी बाई एच ले लिए मैं यहाँ पे। सेम चीज़ है, आप एंगल चेंज करिए, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब साइन 0 पे ए बी एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे ए बी का लेंथ क्या होगा, 0। तो ए बी तो अब यहाँ इस केस में क्या हो गया, इस केस में एट 0 डिग्री ए बी इक्वल टू 0 एंड ए सी इक्वल टू सी बी, ये होगा 0 पे। देख रहे हैं ना, 0 डिग्री यहाँ पे क्या है, मेंशन नहीं कर सकते हो, 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये लेंथ था ना ए बी, ये वाला, ये तो एक पॉइंट पे ही आ गया दोनों, तो 0 लेंथ हो गया। सी और सी बी क्या है, दोनों इक्वल हो गया, तो ए बी 0 हो गया। अब ए सी कुछ भी रहे, ए सी यही है ना, 5 6 7 8 कुछ भी रहे, किसी भी 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो साइन 0 पे क्या आ जाएगा, 0। क्लियर, कॉस 0 देखते हैं, कॉस 0 का क्या बी बाई एच, बेस क्या था यहाँ पे, सी बी, हाइपोटेनस क्या है मेरा, ए सी। अब देखिए यहाँ से सी बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों चेंज कर दीजिए, तो सी बी कट गया तो कितना आ जाएगा, तो कॉस 0 पे कितना होता है, 1 होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप भूल जाइए, अगर ये दोनों आप निकाल लिए तो रेसिप्रोकल रिलेशन मालूम है ना। मैं इसमें सिर्फ 0 पे मैं सारा बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद करिएगा। देखिए जब 30 डिग्री आएंगे कुछ पे आएंगे, साइन 0 तो कॉसिक 0 का क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन साइन 0। साइन 0 क्या आया मेरा, 0। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, अनडिफाइंड। यहाँ पे समझिए बात को, 1 को डिवाइड करना है 0 से,
तो जीरो में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए? कोई नंबर है ऐसा? कोई नंबर ही नहीं है, तो वो डिफाइन ही नहीं है वो नंबर, इसलिए अनडिफाइन लिखते हैं। फिर सेक जीरो, तो सेक जीरो का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री का मान वन, तो वन बाई वन कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। फिर एक टैन जीरो, टैन का साइन बाई कॉस, तो साइन जीरो बाई कॉस जीरो, तो डिग्री नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जीरो जीरो पुट कर दीजिए। साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान वन, जीरो से डिवाइड करें तो जीरो आएगा। टैन जीरो निकल गया तो कॉट जीरो भी निकल जाएगा मेरा, कॉट जीरो यहाँ पे निकाल लीजिए। इसका रेसिप्रोकल वन बाई टैन, टैन जीरो कितना है? जीरो, तो वन बाई जीरो अनडिफाइन, तो जीरो पे सारा कुछ निकल गया मेरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। अब नेक्स्ट करते हैं, जीरो के बाद क्या होगा मेरा? थर्टी डिग्री। मैं पूरा लिख लूँ, एक तो जीरो होगा, जीरो के बाद क्या होगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे अब चलते हैं, निकालते हैं। तो 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक इक्वलेटर ट्रायंगल बनाइए, इक्वलेटर ट्रायंगल बना लिए हम लोग। अब क्या करें, हम जानते हैं कि इक्वलेटर नेमिंग दे दीजिए पहले, ए बी सी। इक्वलेटर ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ईच एंगल 60 डिग्री होता है, और इसमें क्लास नाइन्थ में ये पढ़े होंगे कि अगर एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है, इसी में कर देता हूँ, अगर एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ए डी, तो अपोजिट साइड बी सी को दो इक्वल पार्ट में कट करता है। ये भी कॉन्सेप्ट वाली बात है क्लास नाइन्थ में। ऐसा करने पे दोनों ट्रायंगल को क्या कर दीजिए? ए डी बी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, और कॉन्ग्रुएंट क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर एच एस से। देखिए ये दोनों साइड इक्वल, एच एच ये कॉमन, अब ये 90 डिग्री, तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो सी पी सी टी से बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो वो बस हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज रखेंगे कि ए डी जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बी सी पे, तो बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो टोटल 60 था, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ए बाई टू। ये भी कितना होगा? ए बाई टू। ठीक है, चलिए अब ट्रायंगल ए डी सी को हम बाहर निकाल रहे हैं, ए डी सी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल को आप याद रखिएगा ना, तो इस ट्रायंगल से दोनों निकल जाएगा, 30 डिग्री पे भी और 60 डिग्री पे भी, सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। तो ये ए था, ये ए बाई टू है, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा ना मेरा, 90 डिग्री के सामने एच, ये पी और ये बी, या तो ये पी मान लीजिए या बी मान लीजिए, बात एक ही है, लेकिन परपेंडिकुलर जानते हैं, लंबवत रेखा हिंदी वालों को पढ़ाते हुए ना बहुत कुछ हिंदी भी सीख गया हूँ, इसलिए देखते होंगे फ्लो में ना हिंदी वाला वर्ड भी याद आता होगा, बोल देता हूँगा। तो परपेंडिकुलर लाइन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से एच ए है तो ए स्क्वायर, पी फाइंड करना है, बी है मेरा ए बाई टू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फोर, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। मैं ना क्या यहाँ पे और भी क्या बताने जा रहा हूँ, एक इक्वलेटर ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला, तो ये चलिए मैं बता देता हूँ, ऐसे भी मालूम है ना रूट टू बाई ए, यही निकल के आएगा, ये क्लास नाइन टेंथ में भी कर चुके हैं हम लोग, इक्वलेटर ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, इसी तरह से निकलेगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सॉल्व करके एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू पी, सारा पे स्क्वायरिंग कर देंगे स्क्वायर रूट, तो रूट थ्री ए का स्क्वायर रूट ए, फोर का स्क्वायर रूट टू, ये आ गया ना मेरा पी, और यही पी क्या है मेरा, इस इक्वलेटर ट्रायंगल का हाइट है, तो रूट थ्री ए बाई टू निकल के आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू रूट थ्री ए बाई टू, और बेस और हाइपोटेनस अब रहने दीजिए। बस ये ट्रायंगल को आप याद रखिएगा, एक राइट ट्रायंगल इन विच हाइपोटेनस इज ए
एंड अदर टू साइड्स आर रूट थ्री ए बाई टू एंड ए बाई टू, देन यू विल फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब वन बाई वन देखते हैं। चलिए तो अभी फिलहाल मैं 30 डिग्री का निकालने जा रहा हूँ, तो ये 60 डिग्री भूल जाइए। तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस, तो साइन 30, थीटा कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो वही होगा पी बाई एच। पी क्या है मेरा, ए बाई टू, हाइपोटेनस क्या है रूट थ्री बाई टू इंटू ए, टू से टू कट जाएगा, ए से ए कट गया तो आ गया क्या, एक मिनट, एच की जगह मैं क्या ले लिया हूँ यहाँ पे, एच की जगह ये ले लिया था, एच तो मेरा ए है ना, तो ए से ए कट जाएगा, टू नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा वन बाई टू। कॉस 30 देखिए यहाँ पे, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है रूट थ्री ए बाई टू, हाइपोटेनस ये है, अब फाइंड कर लीजिएगा तो ये रूट थ्री बाई टू हो जाएगा। जब साइन 30 और कॉस 30 निकल गया तो मैं बस फॉर्मूला बैठा देता हूँ, उस पर निकाल लीजिएगा कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 का फॉर्मूला बताया हूँ ना, वन बाई साइन 30, इससे निकाल लीजिएगा, बता ही देता हूँ। तो साइन 30 का मान क्या है, वन बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक 30 कितना आ जाएगा, टू, कॉसेक 30 निकल के आ गया। सेक 30, तो सेक 30 के लिए क्या है इसका रेसिप्रोकल, वन बाई कॉस 30, कॉस 30 क्या है वन बाई रूट थ्री बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा, टू बाई रूट थ्री। टैन और कॉट भी उस तरह से निकल जाएगा आपको, चलिए टैन यहाँ पे निकाल लें, टैन 30, तो साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 क्या है मेरा वन बाई टू, कॉस 30 क्या है रूट थ्री बाई टू। इस फॉर्मूला से भी याद करिए या फिर डायरेक्ट वही टैन 30 का क्या हो जाएगा पी बाई बी, पी बाई बी वही चीज़ मैं किया हूँ, पी ये है बी ये है मेरा, देख लीजिए पी बी, तो टू से टू कट गया क्या आ जाएगा वन बाई रूट थ्री। कॉट 30 इसी का उल्टा तो रूट थ्री, तो 30 पे मान निकल गया है मेरा, 0 डिग्री 30 डिग्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री से पहले हम 60 डिग्री समझ लेते हैं, क्योंकि अभी एक ट्रायंगल बताया मैं, ये ट्रायंगल याद रखिएगा तो आपको 30 और 60 दोनों याद रहेगा। नेमिंग दे देंगे, ए डी सी था ट्रायंगल अभी जस्ट पीछे वाला, ये 30 था, 60 ये था मेरा, ये ए ए बाई टू रूट थ्री बाई टू ए, इस पे 60 का भी मान आ जाएगा वैल्यू। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो साइन 60, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी बाई एच, पी इज रूट थ्री बाई टू ए एंड हाइपोटेनस इज ए, ए से ए कट जाएगा क्या आएगा मेरा रूट थ्री बाई टू। कॉस 60 बेस बाई हाइपोटेनस, अब इजी है ना, ये जब दिमाग में रहेगा आपको बस ये याद रखना, अगर ये याद ट्रिबू ये ट्रायंगल आप याद कर लीजिए ना, तो कोई ट्रिक भी ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट चीज़ है बेसिक, बेसिक ऐसा चीज़ है ना कि ट्रिक को भी क्या कर देगा, दूर फेंक देगा। ट्रिक क्या है, आप आज याद करिए तो एक सप्ताह तक, ज़्यादा ज़्यादा एक सप्ताह की याद रहेगा, फिर एक सप्ताह बाद दिमाग से उतर जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा ट्रिक। बेसिक क्या है, बेसिक ये कॉन्सेप्ट हुआ एकदम, ये आप सीखे ना तो आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा। तो कॉस 60 बी बाई एच, बेस इज व्हाट ए बाई टू एंड हाइपोटेनस इज ए, ए से कट गया आ गया क्या मेरा वन बाई टू। टैन 60, अब मैं इसी पे बैठा देता हूँ पी बाई बी, पी क्या है रूट थ्री बाई टू ए एंड बेस इज ए बाई टू, ए से ए कटेगा टू से टू कट गया आ गया क्या मेरा रूट थ्री। कॉट 60 बी बाई पी, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए तो वही आ जाएगा मेरा वन बाई रूट थ्री, या फिर आप वैल्यू निकाल लीजिए, बेस क्या है मेरा ए बाई टू, पी रूट थ्री बाई टू इंटू ए, टू से टू कट गया ए से ए कट गया वन बाई रूट थ्री आ गया मेरा। सेक 60 क्या है, सेक 60 का एच बाई बी,
कॉस 60 के जस्ट उल्टा आएगा, 2 आना चाहिए यहाँ पे। तो एच है मेरा ए बाई टू बेस, तो सेक 60 में ये आना चाहिए, 2 आना चाहिए था। हाँ तो बेस 1 बाई टू है ना, ए बाई टू है, तो ए 2 से 2 कट गया। एक मिनट, हाइपोटेनस इज ए, बेस इज ए बाई टू, 2 से 2 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा मेरा 2। एक लास्ट बच गया कॉस एक्स सिक्सटी का एच बाई पी, एच मेरा ए है, पी मेरा रूट 3 बाई टू इंटू ए है, ए से ए कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाई रूट 3। तो cosec 60 और sin 60 एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, sin 60 रूट 3 बाई टू है, तो cosec 60 क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन बता चुका हूँ। तो 60 डिग्री पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब 45 डिग्री पे। मेरा 0 डिग्री कंप्लीट, 30 कंप्लीट, 60 डिग्री कंप्लीट, अब 45 डिग्री नेक्स्ट। तो 45 डिग्री का आप देखते हैं सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। एक राइट ट्रायंगल बनाइए, एक राइट ट्रायंगल नेमिंग देते हैं ए बी सी। राइट ट्रायंगल तो बना है, लेकिन उसमें और भी क्या लेना है, आइसोसेलस ट्रायंगल लेना है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, दो साइड इक्वल होगा, तो मैं ये दो साइड इक्वल ले लिया, ए बी इक्वल टू बी सी। तो और भी क्या प्रॉपर्टी होता है आइसोसेलस ट्रायंगल का, कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी, बी सी का अपोजिट एंगल ए, तो ये मैं ले लिया। और जब दो साइड इक्वल है, तो सपोज कि मैं इसको ए मान लिया साइड, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालिएगा तो रूट 2 ए आ जाएगा। ये चलिए मैं निकाल ही देता हूँ, पी बी एच, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी ए तो ए स्क्वायर, बी भी मेरा ए है तो ए स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो गया, तो दोनों पे स्क्वायर रूट दे देंगे, तो इस तरह से रूट 2 रूट ए स्क्वायर, तो रूट 2 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, तो रूट 2 ए आ जाएगा मेरा। अब ये जब एंगल सी और एंगल ए इक्वल है मेरा, तो ये सपोज मान लीजिए 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या होना चाहिए था, दोनों सम 90 डिग्री। जब ये 90 है तो ये दोनों का सम 90 होगा, तभी तो 90 प्लस 90 180 होगा, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और दोनों इक्वल है तो हम एंगल ए प्लस एंगल ए पुट कर देंगे, 2 एंगल ए 90 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री है, ए 45 है तो सी भी क्या हो जाएगा 45। तो या तो आप ये जूम करके बनाइए या ये जूम करके बनाइए, दोनों में वही आएगा। अब सपोज मान लो कि एंगल सी मैं ये ले लिया 45 डिग्री, तो अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, चलिए मैं पहले से ये जूम कर लिया हूँ, ये हाइपोटेनस, तो साइन 45 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पी वाई एच, पी इज ए एंड हाइपोटेनस इज रूट 2 ए, ए से ए कट गया, क्या आ गया मेरा 1 बाई रूट 2 कॉस 45 बेस बाई हाइपोटेनस। देखिए बेस मेरा भी ए है और हाइपोटेनस रूट 2 ए, ए से ए कट गया, मेरा आएगा क्या 1 बाई रूट 2। सिमिलरली tan 45 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो p बाई बी, पी भी और b दोनों सेम है a और a, a बाई ए कट जाएगा, क्या आएगा मेरा 1 cot 45 b बाई पी, बेस आर परपेंडिकुलर बोथ आर सेम दैट इज a एंड a, तो a a कैंसिल आउट यू गेट 1। नेक्स्ट sec 45, sec 45 h बाई बी, एच इज रूट 2 ए एंड बेस इज ए, ए से कट गया रूट 2 कॉस 45, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 45, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई रूट 2 का, रूट 2 कॉसेक 45, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कॉसेक 45 इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45, साइन 45 का 1 बाई रूट 2, तो इसका रेसिप्रोकल रूट 2। कंप्लीट हो गया मेरा 45 डिग्री, 0, 30, 45, 60 कंप्लीट, नेक्स्ट 90। तो सिमिलरली जैसे 0 डिग्री का समझे है ना, उस तरह से 90 डिग्री को समझते हैं। तो एक राइट ट्रायंगल बना लें हम, ये राइट ट्रायंगल बना लिया मैं, नेमिंग दे देते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री है।
मैं एंगल सपोज कि मैं यहाँ पे थीटा ले रहता हूँ, तो थीटा को अब कितना बनाना है 90 डिग्री, उस केस में क्या था 0 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो ये थीटा को अभी फिलहाल, अभी सपोज मान लीजिए, चलिए मैं तो एक जनरल बनाता हूँ, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, यही वन बाय वन ए बी सी। अभी ये थीटा जो है मैं सपोज कि 30 डिग्री ले लिया, ये 30 डिग्री से हमको लाना कितना है, क्योंकि हम 90 डिग्री का बनाने जा रहे हैं ना, तो इसको 90 बनाने के लिए ए सी को क्या करना होगा, हमको इधर करना होगा, तो इधर खींचे, नेक्स्ट फिगर में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फिगर में ऐसे बन जाएगा ना, चलिए थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा, तो ये नेमिंग दे देंगे ए बी सी। तो अब खींचे तो मान लीजिए 50 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री मान लीजिए, और भी इसको और इधर तीरे, तो ये इस टाइप का नजर आएगा, ये 80 डिग्री होगा सपोज मान लीजिए, ये ए बी सी और भी खींच दे, तो ए यहीं पे आना चाहिए सी। अब देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक फिगर बना दूँ पहले, जब मैं ए को खींच रहा हूँ तो 30 डिग्री था तो ऐसे हुआ, ठीक है ना, ए को जैसे जैसे मैं खींच रहा हूँ ना, बी मेरा छोटा होता जा रहा है, ये बी सी, ये मेन चीज है। ए को अब जैसे जैसे खींचिएगा बी सी का लेंथ छोटा होते जाएगा, तो जब ये 90 डिग्री कब होगा, जब यहाँ पे आएगा, अब देखिए 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये अगर ऐसा ही था एक फिगर, बी सी था मेरा, सी यहाँ पे था, तब 90 डिग्री होगा ना। इसको 90 डिग्री करने के लिए क्या करना होगा हमको, ए को दम इसी पे लाना होगा ए सी, और जब 90 डिग्री बनाने के चक्कर में बी सी का लेंथ दम छोटा हो गया था, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यही कोइंसाइड कर जाएगा सी और बी। तो 90 डिग्री के केस में बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो, और ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, इक्वल एट 90 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिख दीजिए, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये केस हो जाएगा। तो आप वन बाई वन अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं, तो साइन 90 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, पी बाई एच, पी इसी के अनुसार देखेंगे तो थीटा को ही 90 डिग्री बनाने जा रहे थे ना, तो पी क्या है मेरा ए बी, और हाइपोटेनस है मेरा ए सी। तो यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है, तो ए बी को ए बी रहने दीजिए और ए सी को ए सी इक्वल टू ए बी, तो ए सी की जगह ए बी पुट कर देंगे, तो कैंसिल आउट आ जाएगा वन मेरा। कॉस 90 देखें तो बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है इसके लिए बी सी, हाइपोटेनस ए सी, बी सी जीरो है, जीरो से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब दो निकल गया तो आप सारा निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से, साइन 91 तो कॉसेक 90, साइन 90 का रेसिप्रोकल वो भी क्या हो जाएगा, वन ही आ जाएगा, इक्वल टू कॉसेक 90, साइन 90 पे और कॉसेक 90 पे वन आता है दोनों का वैल्यू, कॉस 90 जीरो है। चलिए मैं तब सॉल्व ही कर देता हूँ, सेक 90 रेसिप्रोकल कॉस 90 वन बाई जीरो अनडिफाइंड। सिमिलरली आप टैन और कॉट का भी निकाल लीजिएगा, जब इतना करवा चुके हैं तो, या फिर मैं कर ही दे रहा हूँ, टैन 90, टैन 90 का क्या है, साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 91 कॉस 90 जीरो, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लास्ट कॉट 90, तो कॉट 90 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको इन्वर्स से करेंगे, 1/tan 90, तो 1/tan 90 क्या हो जाएगा, 1/undefined, तो वन किसी भी नंबर को अनडिफाइंड से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड ही ना आएगा, इस तरह से निकालें तो अनडिफाइंड आएगा। अगर मैं इसी कॉट 90 को इस तरह से निकालें,
कॉट का होता है ना कॉस 90 बाई साइन 90, कॉस 90 जीरो, साइन 91, तो यहाँ केस में जीरो आएगा, क्लियर ना। लेकिन ये जीरो ना मान के अनडिफाइन ही लेते हैं कि कॉट 90 का वैल्यू अनडिफाइन। चलिए तो 90 डिग्री भी कंप्लीट हो गया। मैं जीरो से बोला था कि 0 to 360 में कंप्लीट करवा दूंगा, तो 0 to 90 तो कंप्लीट हो गया, 90 के बीच में है ना और भी 180 to 270, तो 180 to 270 और भी अंदर में है, तो क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़िएगा, 10th में तो इतना ही काफ़ी है, 360 तक जान लीजिए। तो इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे ना, क्लास 10th में ही तो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि हम अगर एक्स एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए अगर मैं कोई पॉइंट है 2 और 1, तो फर्स्ट वन के लिए एक्स ऑर्डिनेट और सेकेंड वन के लिए वाई ऑर्डिनेट, तो मुझे एक्स पे कितना यूनिट लेना है 2, वाई पे कितना लेना है 1, इसको मैच कर दीजिए तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 2 और 1। अगर मैं जो एक पॉइंट ए है तो ए को इसको डिनोट कर दिया, मैं थोड़ा सा फिगर आउट कर देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मुझे यूज है जो मैं बताने जा रहा हूँ 180 से 90 से 360 के बीच में जो भी है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर सपोज मान लीजिए कि बी कोई पॉइंट है जो -3 और 4 पे, बी का क्या कोऑर्डिनेट है -3 और 4, तो माइनस, चलिए इधर तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो एक्स पहला जो भी रहेगा वो क्या है, एक्स ऑर्डिनेट रहेगा, सेकेंड वाई ऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कितना लेना -3, एक्स एक्सिस ये है, -3 इधर है, तो 0 1 2 3, -3 कहीं ना तो कहीं यहाँ पर आएगा, वाई क्या है 4 है, पॉजिटिव में है, तो 4 कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर पॉइंट बी लाइक करेगा और क्या है -3 और 4, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस पे एक यूनिट कंसीडर करके, एक यूनिट रेडियस, रेडियस क्या, रेडियस 1 यूनिट कंसीडर करके, 1 यूनिट मान लीजिए कि यहाँ पे है, 1 यूनिट कंसीडर करके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए फिगर जैसा भी बना हो, कॉन्सेप्ट समझना है, फिगर अच्छा हो या नहीं हो। चलिए ये हो गया मेरा, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लूँ, ये y माइनस में, ये y प्लस में, ये माइनस x में, तो आप बताइए ये 1 यूनिट लिए है ना, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो गया 1 यूनिट, x एक्सिस कितना लिए हम 1 लिए हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, ठीक है ना, कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस कितना ले रहे हैं 1, तो पहले 1 के लिए, और वाई क्या है यहाँ पे, वाई का तो वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे तो 1 0 होगा उसी कॉन्सेप्ट से, है ना। अगर एक्स एक्सिस ले लिए, अगर यहाँ पे कोई है तो जैसे कि यहाँ 0 1 2 3, ये 1 है ना एक्स पे, तो 1 0 है, 2 0 है, मतलब x 2 है, y 0 है मेरा, तो 1 ही यूनिट, और y क्या है 0 है, यहाँ पे देखिए तो y मेरा 1 है और x 0 है, तो x 0 और ये 1, 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो ये x एक्सिस निगेटिव में है, तो पहले x एक्सिस के लिए, तो पहले x एक्सिस के लिए -1, y क्या है मेरा 0। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ भी 1 यूनिट है लेकिन y पे है और y नेगेटिव में है, तो पहले तो x के लिए लिखते हैं, तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 और 1 क्या होगा माइनस में y के लिए,
इसलिए मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे शो करते हैं वो बताया मैं पहले। तो ये आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, इसका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। मैं क्या किया, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब ये वन यूनिट अब रहने दीजिए, इसका तो काम हो गया मेरा। अब यहाँ पे सपोज कि एक थीटा ले लेते हैं, नेमिंग दे दीजिए ट्रायंगल का, ए बी, और ये तो ओ है, ओरिजिन है, तो ओ तो पहले से ही है। थीटा के अपोजिट में क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस कितना लिए हैं, वन ही यूनिट ना है। ध्यान से देखिए, ये रेडियस और ये रेडियस, बात तो एक ही है, जो कितना लिए हैं हम, वन यूनिट। ओए ओए तो वन ही यूनिट है ना मेरा, जो कि रेडियस है। ये ट्रायंगल को बाहर से समझे हम, बाहर निकाल देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। नेमिंग देते हैं ए बी ओ, ये थीटा है, ये वन यूनिट है और कुछ नहीं है, ये पी हो जाएगा, अपोजिट साइड पी बेस, और ये हाइपोटेनस। साइन थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा क्या है पी बाई एच, पी क्या है मेरा ए बी, एच क्या है मेरा ओ ए, तो ए बी का तो ए बी ही रहेगा, ओ ए क्या है मेरा वन यूनिट, वन हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकल के आ गया आपको, ए बी डिवाइड में वन, तो वन तो क्या दिक्कत है, कोई किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में वन ही होता है, तो ए बी आ गया मेरा साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा का निकालिए, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरा ओ बी, और हाइपोटेनस है ओ ए, ओ ए वन ही लिख देते हैं, ओ बी, तो ओ बी क्या आ गया मेरा यहाँ से, कॉस थीटा आ गया मेरा ओ बी। अब यहाँ पे समझिए, ए बी, ए बी, फिर से यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से वन बाय वन एक एक पॉइंट समझिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ए बी बोल रहा है ना एक लाइन, ये ए और ये बी है। ए बी का, ए बी का चलिए सपोज मान लेते हैं कि ए बी 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी 2 सेंटीमीटर है, तो सपोज इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना, ए बी, ए बी क्या है 2 है, तो ए बी क्या है मेरा, ये वाई एक्सिस ही ना है, जितना ये 2 होगा यहां भी 2 ही होगा। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करें, तो एक्स कुछ भी होगा, एक्स नहीं जानते हैं, लेकिन वाई तो जान गए ना, कितना है ये भी 2, तो एक्स 2 लिख सकते हैं ना। चलिए, तो ए बी मालूम हो गया, ये कोऑर्डिनेट ही एक्सिस ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सेम चीज यही है, इसको आप अगर ज्वाइन कर देंगे, ए बी क्या है मेरा साइन थीटा, तो यहाँ पे ये साइन थीटा होगा वाई एक्सिस पे, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है उसे क्या फर्क पड़ता, साइन थीटा है वाई एक्सिस पे, क्या लिए साइन थीटा, तो यही तो साइन थीटा होगा। तो मेरा एक्स नहीं मालूम है अभी, तो एक्स का एक्स ही रहने देते हैं, साइन थीटा वाई एक्स, वाई जब मालूम चल गया तो साइन थीटा तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो ए का कोऑर्डिनेट एक मिल गया, एक्स नहीं मिला है, लेकिन अभी साइन वाई मिल गया साइन थीटा। ओ बी, चलिए ये भी ख्वाहिश पूरा हो गया, ये ओ है, ओ बी, ओ बी सपोज मान लीजिए कि अब 3 रहता, तो ये एक्स एक्सिस ही ना, तो ये कितना हो जाता, अब 3 हो जाता मेरा, तो ओ बी क्या है कॉस थीटा, तो जब कॉस थीटा है तो ये एक्स अब क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ए का कोऑर्डिनेट मिल गया मेरा कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए, ए का मिल गया कॉस थीटा साइन थीटा, तो यही तो है मेरा, यहाँ पे भी तो वही होगा, कॉस थीटा साइन थीटा कहीं भी ले लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ, 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 चेंजिंग नहीं होगा, कॉस थीटा यहाँ भी होगा और साइन थीटा।
कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ भी होगा, कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कहीं भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम रेडियस कितना ले रहे हैं, वन यूनिट रेडियस ले रहे हैं, इसलिए ए का कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होगा, कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कौन सा है, चलिए एक मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, इसको मैं, इसको तो कोई काम नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे समझिए बात को, स्टार्टिंग में 0 डिग्री, फिर यहाँ ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, ये 180, ये 270, फिर रिटर्न 360 आ जाएगा। तो इसी तरह से तो यहाँ भी है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और रिटर्न 360 डिग्री आएगा। तो ये वन क्या है, ये देखिए यहाँ पे समझिए बात को, कॉस थीटा क्या है मेरा एक्स, साइन थीटा क्या है वाई, एक्स ही कोऑर्डिनेट ना है मेरा कॉस थीटा, देखिए तो ओ बी एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो कॉस थीटा एक्स के लिए, यहाँ भी तो एक्स के लिए था और ये वाई के लिए, तो कॉस जीरो पे कॉस जीरो, यहाँ पे समझिए बात को ध्यान से, 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा लिखेंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस जीरो साइन जीरो, यही होगा ना। जब मैं बोला कि कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ होगा, तो कॉस जीरो साइन जीरो यही तो है 1 0, कॉस जीरो का मान 1, साइन जीरो 0, क्लियर हो गया। फिर यहाँ से देखिए 90 है तो कॉस 90 0, साइन 90 1, मैं लिखते जा रहा हूँ अब, ये कॉस 0 साइन 0 का वैल्यू 1 0, 90 पे यहाँ पे लिखिए कॉस 90 साइन 90, तो कॉस 90 0, साइन 90 1, यहाँ पे लिख लीजिए कॉस 180 साइन 180, तो कॉस 180 का वैल्यू -1, साइन 180 का वैल्यू 0, यहाँ पे कॉस 270 और साइन 270, तो कॉस 270 का वैल्यू 0, साइन 270 का वैल्यू -1, फिर 360 यही रहेगा, कॉस 360 साइन 360, तो कॉस 360 का वैल्यू 1, साइन 360 का वैल्यू 0, क्लियर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल भी इजी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार तीन बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो नोट कर लीजिए इसको।